इतनी ठीक है तो हवा भी नहीं चल रही है। अबे तू जाकर देख ना उधर। भाई मैं नहीं जाऊंगा, तू जा। अबे मैं नहीं जाऊंगा, मैं भी नहीं जाऊंगा। अबे तू तो बोलता था मैं, डर नहीं लगता भाई? ऐसे मैटर में डर लगता है भाई, ऐसा नहीं। अबे डरपोक कहीं का भाई, मैं डरपोक तो तू चले जाना, मैं क्यों जाऊँ? मैं नहीं जाऊंगा अगर चले जाए। मैं नहीं जाऊंगा। अबे इसका मतलब तेरे को डर लग रहा, तभी तू नहीं जा रहा है। अबे मेरे को डर काहे लगेगा भाई, मेरे पास दौलत है, शौहरत है, जमीन है, एटीएम है, केटीएम है, पेटीएम है, हैं? तेरे पास क्या है भाई? मेरे पास हनुमान चालीसा है। अबे तो चल ना, चल। हनुमान चालीसा नहीं लाया यार भाई, घर भूल गए। अबे तेरी ऐसी की तैसी तेरी है। अबे बोल रहे थे हनुमान चालीसा लाया, क्या करूं, भूल गया यार। धोखे से धोखे से अब क्या करेंगे यार, चल। बाहर तो करो दिल, चल इसका मतलब साले वो तुम लोग ही रहे ना, वो बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े बाल कहाँ? बड़े बड़े नहीं, मैं नहीं था यार मुकुल, मैं नहीं रहा भाई कोई। अरे अपन कैसे होंगे, अपन लोग तो साथ में प्लानिंग बनाए थे ना। अरे लगता है सुनो, अरे ये पागल हो गया, इसने पी ली है जाती। नहीं नहीं पागल नहीं हुआ, कोई तो रहा भाई। ए चलो फालतू की बात, अबे नहीं कोई तो रहा भाई उधर पे, कोई नहीं था यार। अबे ऐसे ही मजा, नींद में थे ना, नींद में थे, धूप पीने रहते। बस बोल चलो 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 भाई, कोई साथ नहीं छोड़ना। नक्शे के अनुसार सोने के दो कलश, दो बड़े बड़े पत्थर हैं, उसी के बीच में एक पेड़ है। अच्छा ये जो पत्थर दिख रहा है, ये दिख रहा है ना पत्थर, हाँ, ये दो पत्थर हैं, हाँ, आजू बाजू, हाँ, इसके बीच में ये पेड़ दिख रहा है, हाँ, हाँ, इसके नीचे जो ये दिख रहे हैं दो कलश बने, हाँ, सोने के दो स्वर्ण कलश है। ये देखो कि यहाँ पे कौन सा ऐसा पेड़ है जिसके आजू बाजू में दो पत्थर रखे हुए। मतलब हम बहुत नजदीक है, नजदीक है, कलश मिल ही जाएगा, कलश मिल ही जाएगा। जल्दी जल्दी सोने की कलश है भाई, सोने के कलश। देखो नक्शे ना, यहीं आस पास में है। काम करो, एक फुट की गहराई में गड़े हुए दोनों कलश, एक फुट की गहराई में निकालो, जल्दी से निकालो। खुदा हथियार लाओ, हथियार 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 कौन लाए यार, हथियार ही नहीं लाया, हथियार नहीं लाए। एक फुट की गहराई हाथ से भी खोद सकती है यार, लेकिन यार तो हाथ से कितना खोदेंगे? अरे भाई किसने कहा कुछ नहीं लाया, मैं लाया हूँ ना हथियार। अरे समझ गया भाई, लोग खोदो लिया यार। ये तो भाई पढ़ाई में भी आएंगे, पढ़ाई में भी आएंगे। अरे जल्दी खोद, बहुत जल्दी खोद, जल्दी खोद। हमें सुनो तो, हाथ से खोदना चालू कर दो, खोदना चालू करो। यही कमी है वो कलर, अरे भाई कलश तो मिल गया है, ये कलश देखो भाई,
करके पहले मेरे को देख ले तो रुको रुको नक्शा में मिलाने दो तुम देखो सुनो एक और कूदना चालू करो जल्दी खोदो यहाँ नहीं साइड देखो ना वही कहीं यहाँ देखो दो अपन को छुपाने से कोई मतलब नहीं है अपन कलश लेकर चलते हैं ठीक है चल चल अरे कलश 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 सुनो बताओ क्या करें हम मैं एक बात बता रहा हूँ वो तो दोनों कलश लेके भाग गए अपन को उनके पीछे जाने से कोई फायदा नहीं है पूछो क्यों क्यों देखो उनके सिर में कलश का भूत सवार है वो कलश के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है उन लोगों को अगर अपन उनके पीछे गए उनके पास चक्कू है और उनके पास गन भी है वो हमें नहीं देखेंगे दोस्ती यारी वो सब भूल जाएंगे अगर हम उनके पीछे गए तो हमारी जान खतरे में पड़ सकती है अभी तो पूरा खजाना बाकी है यार हाँ यार सही बोल रहा है मुकुंद शरम जाने दो उन दोनों को जाने दो यार दोनों एक दो ठो कलश लेके सोचते हैं कि उन लोगों ने जंग जीत ली लेकिन उनको थोड़ी ना पता है अभी तो खजाना बाकी है उन्हीं को कहते हैं अनपढ़ गवार अनपढ़ गवार मंद बुद्धि मैं तुम लोग की बात नहीं मानूंगा मैं तो जाऊंगा भाई मैंने बहुत मेहनत करके कलश निकाले थे मैं तो भाई जाऊंगा लेने कलश ये मूर्ख है अबे तो शुभम वो तो अकेला चला गया जंगल में अब उसका क्या होगा बहुत बड़ी मूर्खता की उसने इतने घने जंगल में वो अकेला गया उसका कुछ क्या होगा तो भगवान ही जानता है वो तो अकेला जंगल में चला गया पागल बताओ सुनो उनके पीछे कलश लेने गया उनके हाथ में हथियार भी है बताओ अब उसमें कुछ नहीं कर सकते कलश के लिए कुछ भी कर सकते हैं भाई लोग अगर ऐसा कुछ हुआ तक बात जाएगी तो कोई भी कुछ नहीं बताएगा नहीं 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 हम लोग कोई बताएगा नहीं नहीं बोलेंगे हम उसके साथ ही में नहीं गए हम जानते नहीं वो कहाँ गया हमारे साथ नहीं था सब कॉल बंद कर लेना और घर में रहना कोई भी किसी को बात पता नहीं चलने देगा बिल्कुल नहीं ठीक है चलो अपन चलते हैं खजाने में चलो अपन खजाने की तरफ एक हिस्सा और कम गया और गया भाई अच्छा चलो खजाने की तलाश चलो दूसरे रास्ते तो नहीं आ गया हूँ और मैं आप भटक रहा हूँ पूरा यार ये खोपड़ी तो इंसान की लगती है ये हड्डी भी इंसान की है या कोई जंगली जानवर तो नहीं है अरे ये कौन है प्रमोद सौरभ तुम लोग तो नहीं है डरा रहे हो मुझे जो अरे वाह तुमने तो लड़कियों की आवाज़ भी बोलना चालू कर दिया है भाई तुमने मुझे कलश दो तुम लोगों ने यहाँ की बहुत बड़ी गलती कर दी है इस जंगल में जो आ जाया है वो आज तक बच के नहीं गया ना तू बचेगा ना तेरे साथ ही बचेंगे तेरे जैसे कई लोग आए और यहाँ पे मैंने उनको खा गई तुम लोग सब लोग मारे जाओगे एक एक करके मैं सबको अलग अलग तरीके से मारूंगी भाई ये आदमी कौन है ये बीच रास्ते में कौन खड़ा हुआ है यहीं कहीं ये कोई लुटेरा तो नहीं है सही बोल रहा है तू ये हमारे सोने के कलश लूटे नहीं तो हमसे अबे ये क्या सोने के कलश लूटेगा ये तो सिर्फ फेरा एक अकेला आदमी चार लोगों को चकमा देकर आ रहे हैं अपन हाँ भाई कौन हो तुम लोग हम लोग कोई हैं तेरे को इससे क्या इस जंगल में क्यों आए हो इस जंगल के बारे में नहीं पता तुम लोगों को वो सोने के कलश लेकर कहाँ जा रहे हो अबे सुन इसकी बातों में मतलब इस जंगल से सिर्फ निकलने का सिर्फ एक ही यही रास्ता है
चल चलते हैं चल। वो सोने के कलश लेकर मत जाओ यहाँ से। भाई इसको कैसे पता सोने के कलश के बारे में? अबे इसको कुछ नहीं पता, जो हमारा टाइम खराब कर रहा है। चलो ये मत बताओ, मुझे सब कुछ पता है। दोस्तों को धोखा देकर वो सोने के कलश लेकर यहाँ से भागना चाहते हो ना? अबे इसको कैसे पता? मैं इस जंगल के सारे राज जानता हूँ, सारे राज। तुम लोग भी यहाँ से नहीं निकल पाओगे, सबके तो मारे जाओगे, सबके तो। अबे सौरभ सुन, अबे सौरभ सुन। Oh, my God.